हेलो एंड वेलकम टू ई दुनिया नॉलेज चैनल। आज हम लोग येलो अलर्ट के बारे में जानेंगे। येलो अलर्ट आपने बहुत न्यूज में रिसेंटली सुना होगा, स्पेशली जब हिमाचल प्रदेश में इतने सारे लैंडस्लाइड हुआ, दिल्ली में जब बारिश की वजह से फ्लैश फ्लड या फ्लड की संभावना इतनी ज्यादा हो गई थी। तो इस टाइम दो तीन टाइप के अलर्ट सुने होंगे, ग्रीन अलर्ट, येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट एंड रेड अलर्ट। तो इसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत फ्रिक्वेंटली न्यूज में आता है येलो अलर्ट, तो इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो जो इस तरह का कलर कोडेड वेदर वार्निंग है, ये कौन प्रोवाइड करवा रहा है? तो आईएमडी यानी कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो ये चार प्रकार के अलर्ट देता है। येलो अलर्ट जो है, येलो वेदर वार्निंग फॉर हैवी रेन एंड स्नोफॉल एकॉम्पनीड बाय थंडर स्टॉर्म लाइटनिंग। तो जो रिसेंट में आपने अभी दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में देखा होगा कि हैवी रेन के कॉन्टेक्स्ट में पहले येलो अलर्ट दिया गया और फिर उसके बाद रेड अलर्ट जारी करा गया था। जब जो खतरे का लेवल है जिस हिसाब से बढ़ता जाता है, उसी हिसाब से अलर्ट का जो सिंबल है वो भी चेंज होता रहता है। तो ये जो अलर्ट है, जो कलर कोडेड वेदर है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेनफॉल से ही रिलेटेड है। जैसे जब जून और मई के महीने में जब हीट बहुत ज्यादा था, तो हीट वेव के भी कंटेक्स्ट में येलो अलर्ट की बात की गई थी। उसी तरह जब आपका विंटर आता है, तो कोल्ड वेव के कंटेक्स्ट में भी येलो अलर्ट दिया जाता है। साइक्लोन जब आता है इंडियन कोस्ट पे, चाहे वो गुजरात के तरफ से आने वाले साइक्लोन हो या बे ऑफ बंगाल के साइड से आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये सब में आने वाले साइक्लोन हो, तो उनके कॉन्टेक्स्ट में भी वार्निंग दी जाती है। तो कहेंगे ये जो कलर कोडेड वेदर वार्निंग है वो किसी पर्टिकुलर फेनामेना से रिलेटेड नहीं है, बल्कि जो वेरियस एटमोस्फियरिक फेनामेना है उससे होने वाले प्रभाव यानी कि इफेक्ट क्या होने वाले हैं उससे रिलेटेड है ये कलर कोडेड वार्निंग। अब इस वार्निंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो जो मेजर ऑब्जेक्टिव होता है, टू अलर्ट पीपल अहेड ऑफ सीवियर और हजार्डस वेदर विच हैज द पोटेंशियल टू कॉज डैमेज, वाइड स्प्रेड डिसरप्शन और डेंजर टू लाइफ। तो बहुत सारे जो हजार्ड्स हैं या बहुत सारे जो वेदर रिलेटेड हजार्ड्स हैं जो कहीं ना कहीं कुछ डैमेज पहुंचाने चाहते हैं, चाहे वो ह्यूमन लॉस हो चाहे वो मटेरियल लॉस हो, इन दोनों लॉस को लॉस पे अलर्ट करने के लिए ये वेदर वार्निंग सिस्टम बनाया गया है। मेजरली सुनने को चार तरह की अलर्ट आते हैं। पहला तो ग्रीन अलर्ट, अलर्ट नहीं कहते इसको, ग्रीन का मतलब है कि एवरीथिंग इज ओके, है ना, यानी कि कोई कोई खतरा नहीं है, तब ग्रीन अलर्ट रहता है। ग्रीन क्या, यूजुअल टाइम बोल सकते हैं, जो है यूजुअल टाइम अगर है तो नो वार्निंग यानी कि ग्रीन अलर्ट है। येलो अलर्ट का क्या मतलब है कि फ्यूचर में डैमेज होने की संभावना, यानी कि फ्यूचर वेदर डैमेज होने की संभावना है, और ये जो है फ्यूचर में अलर्ट करने की बात कर रहा है, यानी कि पूरी तैयारी रखने के फेज की बात कर रहा है कि अगर अगले कुछ दिनों में इस तरह की संभावना या इस तरह के वेदर, फ्लड, लैंडस्लाइड, साइक्लोन होने की संभावना है, तो सभी लोग अब उससे बचने की तैयारी करके रखें, यानी कि बी अपडेटेड, अपने तरफ से पूरी तरह इंफॉर्मेशन इकट्ठा करिए, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके उसी हिसाब से अपनी प्लानिंग रखिए। और उसी के जस्ट अगला स्टेज है ऑरेंज अलर्ट। ऑरेंज अलर्ट का क्या मतलब है, जो ये अपडेटेड इंफॉर्मेशन है ना, जो अपडेटेड इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे अपनी तैयारी रखें। अगर इस तरह के कोई भी हजार्ड किसी एरिया में हो गया, तो आपकी प्रिपरेशन क्या होगी, उस प्रिपरेशन पे डिपेंड होगा कि डैमेज किस लेवल का होगा। यानी प्रिपरेशन अच्छी होगी तो डैमेज कम होगा, प्रिपरेशन खराब होगी तो डैमेज ज्यादा होगा। तो कहीं ना कहीं जो अपडेटेड आपको इंफॉर्मेशन मिलेंगे उस बेसिस से आपको तैयारी करने की जरूरत है, जिससे कि आप आने वाले खतरों से बचाव कर सकते हैं या बहुत सारे जो रिसोर्सेज हैं उसको तैयार कर सकें। फोर्थ और लास्ट जो स्टेज है, ये स्टेज है अलर्ट, ये स्टेज है
इवेंट्स आने की, जैसे कि हैवी रेनफॉल की अलर्ट, रेड अलर्ट दिया गया। उसमें रेड अलर्ट का मतलब है कि हैवी रेनफॉल होना ही है, हैवी रेनफॉल हो रहा है तो फ्लड होना ही है, अर्बन एरिया में फ्लैश फ्लड होना ही है। इससे क्या क्या होगा? अब यानी कि ऑलरेडी डैमेज हो रहा है, इस डैमेज को के टाइम कैसे आपको रेस्क्यू करना है, इन सब बातों का ध्यान देना पड़ेगा। और इस स्टेज को बोलते हैं टेक एक्शन, यानी कि नॉट ओनली बी रेडी या अपडेटेड, बट नाउ द टाइम इज टू एक्ट। अब इसको दूसरे इजी तरीके से एक बार समझ लेते हैं। ग्रीन सिग्नल का क्या मतलब है? ऑल इज वेल, आपने डायलॉग सुना ही होगा, यानी कि नो एक्शन इज रिक्वायर्ड एंड नो एडवाइजरी इज इशूड। कोई खतरा ही नहीं है तो ऑब्वियसली ना कोई एक्शन लेने की जरूरत है, ना ही कोई एडवाइजरी दी गई है। येलो अलर्ट का मतलब बी अवेयर। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा ग्रीन सिग्नल, येलो सिग्नल और रेड सिग्नल, आपने कहाँ देखे होंगे, हर ट्रैफिक चौराहे पे। तो ग्रीन का मतलब क्या है? कोई दिक्कत नहीं, आप स्मूथली क्रॉस करिए रोड, कोई खतरा नहीं है, यानी कि चारों तरफ से या बाकी तीन तरफ से कोई खतरा नहीं है, आप अपने आगे पाथ पे फ्रीली मूव कर सकते हैं। येलो का मतलब है बी अलर्ट, यानी कि बी अवेयर, और रेड का मतलब है स्टॉप, यानी कि बाकी चारों तीनों तरफ से हो सकता है, कोई मूवमेंट हो सकता है। उसी तरह यहाँ येलो अलर्ट का क्या मतलब है? बी अवेयर, इट इंडिकेट सीवियरली बैड वेदर प्लानिंग अक्रॉस सेवरल डेज, यानी कि आने वाले काफी दिनों में बैड वेदर हो सकते हैं। और इट ऑल्सो सजेस्ट दैट द वेदर कुड चेंज फ्रॉम वर्स कॉजिंग डिसरप्शन इन डे टू डे एक्टिविटीज, यानी डे टू डे एक्टिविटीज में हो सकता है डिसरप्शन हो। अगला स्टेज है ऑरेंज या एम्बर, इसको बोलते हैं बी प्रिपेयर्ड, यानी कि प्रिपेयर प्रिपरेशन स्टेज। इट इज इशूड एज ए वार्निंग ऑफ एक्सट्रीमली बैड वेदर, यानी कि कुछ ना कुछ बैड वेदर होना ही है, और इट हैज पोटेंशियल ऑफ डिसरप्शन इन कम्यूट विथ रोड रेल क्लोजर, यानी कि जो डे टू डे एक्टिविटी यहाँ हैम्पर हो रहा था येलो अलर्ट में, ये कहीं ना कहीं मेजर डिसरप्शन में बदल सकता है, और इसीलिए ये हाई लेवल का अलर्ट होता है। सिमिलरली अगला है रेड अलर्ट, यानी कि टेक एक्शन, बोल रहा है ये एक्सट्रीमली बैड वेदर अलर्ट है, और इसमें ट्रेवल का डिसरप्शन, पावर का डिसरप्शन और बहुत सारे डिजास्ट्रस एक्टिविटी हो सकते हैं, और इसमें ह्यूमन लॉस और मटेरियल लॉस की संभावना हाई होती है। दीज अलर्ट्स आर यूनिवर्सल इन नेचर एंड आर ऑल्सो इशूड ड्यूरिंग फ्लड, डिपेंडिंग ऑन अमाउंट ऑफ वॉटर राइजिंग एबव द लैंड इन अ रिवर एज ए रिजल्ट ऑफ टोरेंशियल रेनफॉल। ये जो अलर्ट है वो यूनिवर्सल इन नेचर है, ऐसा नहीं कि किसी एक ही इवेंट से रिलेटेड है, जैसे ये फ्लड से भी रिलेटेड है, साइक्लोन से भी रिलेटेड है, रेनफॉल से भी रिलेटेड है, ड्राउट से रिलेटेड है, तो इनका जो रेंज है वो कहीं ना कहीं यूनिवर्सल है। आईएमडी इन तीन चारों अलर्ट को प्रोवाइड कराता है, तो आईएमडी के बारे में जान लेते हैं। आईएमडी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1875, यानी ब्रिटिश एरा में एस्टैब्लिश हुआ था। इट इज एन एजेंसी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर ये है, और इट इज प्रिंसिपल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, यानी मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, वेदर फॉरकास्टिंग और सिस्मोलॉजी, ये तीनों जो ऑब्जेक्टिव है ये कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस करता है। थैंक यू सो मच, आज यही तक वीडियो है। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।